चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया है। करनाल विधानसभा उपचुनाव सीट पर भी जो नाम था वो फाइनल हो गया है। कांग्रेस दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। दोनों नाम फाइनल कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया है। क्योंकि अगर यहाँ बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में जो उम्मीदवारों की लिस्ट थी काफी लंबे इंतजार के बाद सामने आई है, उसका ऐलान किया गया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से देखे कि काफी लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन गुरुग्राम में अभी जो उम्मीदवार का नाम था उस पर क्लैरिटी नहीं दी थी, कहीं ना कहीं उस पर पेज फंसा हुआ था, लेकिन अब वो यहाँ पर कन्फर्म कर दिया गया, उसका ऐलान जल्द किया जा सकता है। लेकिन अगर हम संभावित नाम जानने की कोशिश करें तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए गया, गुरुग्राम को लेकर पेज शुरू से ही फंसा हुआ था। संभावितों के नाम कहे तो एक राज बब्बर जो फिल्म अभिनेता है, आगरा से भी चुनाव लड़े थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत साल से राजनीति में है। राज बब्बर के नाम पर भूपेंद्र हुड्डा भी राजी थे, लेकिन कैप्टन अजय यादव जो कांग्रेस के बड़े नेता है, रेवाड़ी के 6 बार विधायक रहे हैं और आज भी कांग्रेस की जो ओबीसी प्रकोष्ठ है सेल के वो नेशनल प्रेसिडेंट है, तो वो दावेदारी जता रहे थे क्योंकि अहीरवाल से आते हैं पुराने नेता है, तो वो कह रहे थे कि राज बब्बर का विरोध कर रहे थे कि राज बब्बर की जगह अगर फिल्म स्टार जवान का रणवीर सिंह को लाए, किसी और को लाए, अक्षय कुमार को लाए, इस तरह की दलीलें दे रहे थे। तो कैप्टन अजय यादव के रुख को देखते हुए पार्टी ने ये सीट पेंडिंग रखी हुई थी, बाकी जगह ऐलान कर दिया। और करनाल में विधानसभा का उपचुनाव होना है जहां से नायब सिंह सैनी लगभग तय है, लेकिन कांग्रेस का कौन कैंडिडेट होगा? कांग्रेस में भीमसेन मेहता है जो पूर्व विधायक इंद्री है, उसके अलावा 2 बार कांग्रेस की विधायक रही है सुनीता सिंह और सिद्धार्थ गोचर सिंह, ये 3-4 नामे, एक मनोज वधवा जो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, भूपेंद्र हुड्डा से भी मिले थे, तो ये 3-4 नाम उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से। हालांकि नायब सिंह सैनी बीजेपी के कैंडिडेट पहले ही घोषित किए जा चुके करनाल उपचुनाव के लिए, तो गुरुग्राम और करनाल का विधानसभा का जो उपचुनाव है, इन दोनों कैंडिडेट की घोषणा संभवतः कांग्रेस आज कर सकती है, क्योंकि कल दिल्ली में इन दोनों सीटों के लिए मंथन हुआ था और संभवतः आज हो सकता है कि उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि आज से नामांकन भी शुरू हो रहे हैं। 29 तारीख से हरियाणा में नामांकन शुरू होने, 25 मई को वोट डल ले, तो आज मेरे को लगता है कि कांग्रेस उपचुनाव करनाल के लिए और गुरुग्राम लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।